तो मैं स्वागत करता हूं आज मेरे बीच में डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब दुर्गेश जी आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। और मैं आपको, वैसे तो आप साइंस को लेके बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एजुकेशनिस्ट के रूप में आपका परिचय करवाना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है, और आपको इस खास मौके पर बुलाया है मैंने। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कई सालों से एकदम तरक्की करती आ रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में मैंने सुना है कि कोई नई शिक्षा नीति बनी है। ये नई शिक्षा नीति बनने के पीछे एक तो क्या मंशा है और ये क्या है, थोड़ा लोगों को कैसे समझ में आएगा, तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। आप थोड़ा अपने बारे में भी बताइए दर्शकों को, और इस नई शिक्षा नीति के बारे में आप बताइए। जी स्वागत है आपका। नमस्कार सूरत राम जी। प्रणाम सर। देखिए मैं हमेशा से ही मैं आपकी मूंछ का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। और पहले ये बताइए, घर बार, घर वाली सब ठीक हैं? अब क्या बताएं सर, आजकल बड़ी हिम्मत रखी हुई है। हाँ सब बंद है, फिर भी ठीक ठाक है, जिंदगी ठीक चल रही है। रोने से कौन कुछ देता है सर, है ना। और मुझे हमेशा की तरह फिर से कह रहा हूँ, आप इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आप में बहुत दम है। आप सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है सर, इसीलिए तो मेरे कान खुले हैं, इसीलिए तो मैं सोचता रहता हूँ, इसीलिए तो आज मुझे ये चिंता करने की जरूरत पड़ी कि शिक्षा की व्यवस्था, मैं सर क्या बताऊं, शिक्षा इस देश की और किसी भी देश की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है, मतलब मेरी बहुत दिली जानने की इच्छा है कि शिक्षा नीति क्या है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और जो ये समय है इस समय जी, ये मानिए कि इतनी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस कोरोना के समय में जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और 34 वर्षों के बाद आई है, सोचिए। बाप रे, तब तो महत्वपूर्ण है सर, 34 वर्षों के बाद आई है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर इसकी महत्वपूर्ण बातों की कुछ अंश हमें बताएं आप, क्यों महत्वपूर्ण है ये? नहीं, ये देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जब मैंने नौकरी शुरू की थी, ये सूरत राम जी समझिए, ये 88 का समय था, 1988-89 में मैंने एक विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू किया, कुमाऊं विश्वविद्यालय में। अच्छा जी। और उससे पहले मैंने कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर विज्ञान आपको तो पता ही है, आप सब जानते हैं। हाँ हाँ सर, कंप्यूटर के बारे में अब तो आजकल तो कौन नहीं जानता, सब डिजिटल दुनिया हो गई है। और मैंने तो मैं भी उसी समय जो पहला कंप्यूटर आया था उस समय मैंने देखा था, पहला वाला। और उस समय मैं राजस्थान में था, तो उसको ठंडा रखने के लिए जमीन के अंदर कमरा बनवाया। तो मैं उस समय माने का, मतलब साइंस के प्रति मेरी जानकारी है सर। हाँ जी जी। तो मैंने जब अपनी मैंने डिग्री ली, उसके बाद मैंने, ये बात है 89 की, जब हमने काम करना शुरू किया जी। अब आप सोचिए कि 1986 में जो ये पूरा का पूरा समय था, उस समय की शिक्षा नीति है जो हम लगातार 34 वर्षों से चलाए जा रहे थे, सोचिए। और इन 34 वर्षों में क्या क्या हो गया, मैं आपको बताऊं जी। इन 34 वर्षों में कंप्यूटर आ गया, स्कूल देहात, गांव, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, सब जगह कंप्यूटर आ गए जी जी जी। पूरी की पूरी जो बच्चों से लेके सबको मोबाइल के बारे में पता चल गया। हाँ हाँ, आजकल तो सब चीजें, पैसा दो तो फोन से, पैसा लो तो फोन से, खाना मंगाओ तो फोन से, खाना खाओ, बस खाना बाकी रह गया, बाकी तो सब कुछ फोन ही से हो रहा है आजकल। और खाना भी फोन से आ जाता है घर में। हाँ, आ जाता है। स्विगी भी आ जाती है। आ जाता है। बस सब चीज आ जाती है फोन से। अब क्या देखो, और ये जो गूगल है जी, गूगल बाबा तो आपको पता ही है सूरत राम जी, बच्चे गूगल जानते हैं, सारी दुनिया के बारे में जानकारी है सर। गूगल से बड़ा तो कोई गुरु ही नहीं है। हाँ, गूगल बाबा जी। तो हुआ ये कि उस 86 से लेके अभी तक में इतने परिवर्तन हो गए, सारी चीजें बदल गई, हमारा काम करना, रहना, खाना, ओढ़ना, बिछाना, सब कुछ बदल दिया। सब बदल गया सर, सब बदल गया। बस एक चीज नहीं बदली जी,
वो थी शिक्षा व्यवस्था जो चली आ रही थी। अच्छा, अब आप सोचिए भाई, जो 86 की शिक्षा व्यवस्था है उससे 2020 के सवाल कैसे हल होंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज बच्चे रोबोट की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, डॉक्टर अपने पूरे कंप्यूटर्स की बात करते हैं जी, और बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो कृषि में हो, अनुसंधान में हो, स्वास्थ्य में हो, पानी हो, सबको हमने प्रौद्योगिकी से जोड़ दिया और नई सोच से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए जो 86 की एक शिक्षा व्यवस्था जिसको 92 में थोड़ा थोड़ा बदला गया, उसके लिए पूरे परिवर्तनों को उसमें समाहित किया जाए, सारी चीजें ठीक की जाए। और जो एक बार आपने पिछले बार कहा था कि गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है और नगरों में है कि इतना पढ़ लिख के भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है। नहीं है साहब, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। अब ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? आपने बड़ी 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 डिग्रियां ले ली लेकिन नौकरी वोकरी कुछ नहीं ठेंगा। अच्छा, तो इस बात के लिए सूरत राम जी ये हुआ कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए जिससे बच्चों को नौकरियां मिले। बहुत बढ़िया। जिससे तरक्की हो। बहुत बढ़िया। जिससे लोग अपना काम कर सकें जी, खेती बाड़ी कर सकें जी, जिससे शिल्प का कार्य कर सकें जी, जिससे उनके अंदर स्वावलंबन स्वाभिमान आ सके। तो सूरत राम जी, जो मैं कह रहा था, हमारे वहां संविधान में एक बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। वो व्यवस्था थी कि जो आयु है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य करने की बात थी। बहुत सही। हाँ, और ये जो व्यवस्था थी, आप ये समझिए कि 6 वर्ष का मतलब 6 वर्ष से शुरू हुआ 14 वर्ष तक था। और 2009 में अगर आपको ध्यान हो तो एक राइट टू एजुकेशन आया जी, शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार सूरत राम जी कमाल की चीज था जी। क्या था कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता जी। और अगर आपको ध्यान हो, स्कूल में मिड डे मील मिलना भी शुरू हो गया जी 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 जी। वो मेरे ख्याल से उसमें बहुत बड़ा अध्ययन, बहुत बड़े काफी सारे देश के मुख्य एजुकेशनिस्ट लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे देश की हालत जिस तरीके की थी, कई लोगों को खाने की कमी आज भी है, आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनको नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है सोची समझी एक समझ थी उसके अंदर। हालांकि उसकी कई सारी चीजें, वो क्या है, वो तो सब होता रहता है, लेकिन बात बहुत बढ़िया थी। लोगों को, बच्चों को खाना मिल रहे, कुपोषण की बीमारियां उसके बाद में कम हुई, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े रहे जी, वो मुझे पता है जी जी जी। अच्छा, आप बहुत विद्वान हैं, आपने ठीक बात करी। लेकिन होता क्या है, जो बच्चे की सीखने की क्षमता है, वैसे तो कहते हैं कि वो माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू करता है बच्चा जी, लेकिन जो शुरुआती दौर की ये आयु होती है इसमें सीखने की बहुत संभावनाएं होती हैं। जी 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 जी। तो इसलिए सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है, ये जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें 3 वर्ष से ही इसको अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कहा जा रहा है, इसके लिए 5 वर्ष दिए गए हैं। अच्छा जी, अब आप समझिए कि पहले जो बात थी, जो 6 वर्ष से हम कह रहे थे, अब जो शिक्षा का प्रारंभ हो गया है वो 3 वर्ष से हो गया है, यानी बच्चों को 3 वर्ष ही शुरू हो गया शिक्षा। 3 वर्ष से शुरू हो गया। और ये उसी में कह रहे हैं कि जिसके लिए जो शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 का था, अब वो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। कमाल की बात है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उससे पहले आंगनवाड़ी में आ रहा है बच्चा 6 महीने से पहले, मतलब इसका मतलब यह है कि पैदा होने, जैसे पेट में सीखता है वैसे ही पैदा होने ते ही होते ही बच्चे की देखभाल शुरू। ये बड़ी समझ की बात है साहब। अब आप ये देखिए कि अब इसमें ये वाला नहीं है कि बच्चा 3 वर्ष से बैग उठा के भागा आ रहा है। आप कह रहे थे गांव में बच्चों को भारी भारी उनके बस्ते कर दिए हैं, अब यह है कि वो खेल खेल में सीखने की बात है।
तो यानी शिक्षा की जो तरीके हैं उनमें भी परिवर्तन की बात है। हाँ, और वो बस्ता लेके नहीं जा रहा तो क्या होगा जी? कि 3, 4, 5 इन वर्षों में तो आराम से स्कूल में, वो स्कूल से डरेगा नहीं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो स्कूल से बाद में भागने लगते हैं। उसकी नेचुरल क्षमताएं बाहर आएगी, प्राकृतिक क्षमताएं बाहर आएगी, ऐसा मौका मिलेगा। हाँ, तो कोशिश ये है कि वो स्कूल से प्यार करने लगे, उसको लगे कि ये तो खेल कूद में ही सीखने की पूरी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया कानून है साहब। तो इससे क्या होगा कि 3 वर्ष तो ये नर्सरी के जिनको हम कह रहे हैं, ये आंगनबाड़ी कराए, ये और दूसरे विद्यालय ही उसमें नर्सरी की हो, इस तरह से व्यवस्था होगी। और कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी 3 वर्ष नर्सरी के और 2 वर्ष 1 और 2, ये 5 वर्ष का बनाया गया है, जिसमें यह है कि बच्चे को उसके अंदर रुचि आएगी, लगाव होगा, तो ये 1-5 वर्ष का बहुत सुंदर समय रहेगा जी। और 5 वर्ष के बाद में फिर बड़ी क्लासेस शुरू होगी। 5 वर्ष के बाद में, अब ये देखिए, ये जो मॉडल बना है इसको हम कह रहे हैं 5+3। अब 3 क्या होंगे? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। सही, मतलब सही मौका आ गया दिमाग के साथ जुड़ने का, बच्चे को सही मौका। हाँ, कि उसकी किस चीज में रुचि है, उसको क्या अच्छा लगता है, ये सारी की सारी चीजें अब 5 वर्ष के ऊपर, अब 3 वर्ष में हो जाएंगी। तो वो कौन सी कक्षा में पहुंच गया? कक्षा 5 में पहुंच गया। अब आप देखिए, अब हर बच्चे की अलग अलग रुचि के हिसाब से वो कुछ अपने विषय लेगा, बात करेगा। तो अब जिसको कहते हैं ये प्राइमरी तक का तो हो गया, अब ये माध्यमिक की सीढ़ियां शुरू हो जाएंगी जी। और ये भी फिर से 3 वर्ष इसको भी मिले, यानी 5+3+3 कितने हो गए? 6, 7, 8। अब ये 8 तक जो बच्चा है उसको पता हो जाएगा कि उसको अपनी कौन सी दिशा लेनी है, रुचि क्या है, और वैज्ञानिक तरह से ये पता हो जाएगा कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। क्या बात है, यानी संपूर्ण बच्चे का विकास के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल। अब उसका ये भी हो सकता है, अभी मैं आपको और बताऊंगा, बड़े मजे मजे की चीजें हैं इसमें। जी जी जी, बताइए। उसको अब ये वाला तो रहा कि अब वो कक्षा 8 तक आ गया। कक्षा 8 के बाद अब 4 वर्ष का होगा, जिसको हम उच्च माध्यमिक कहते हैं, जो 9, 10, 11, 12 जो हमारी ये कक्षाएं हैं, ये 1-4 वर्ष का पूरा ये मॉडल हो गया जी। जी। तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था जिसको पहले कहते थे 10+2 कहते थे जी, जी। आपको तो बताइए 10+2 हाई स्कूल इंटरमीडिएट जी, जी, जी। अब ये व्यवस्था तोड़ के बच्चे के हिसाब से, रुचि के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से ये बन गया 5+3+3+4, ताकि और ये पूरी व्यवस्था को हमारी सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से वो कह रही है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार करेगी और इसको भी पूरी की पूरी RTE के दायरे में लाएगी। तो ये एक बड़ी बात हो रही है, 18 वर्ष तक हो गया। देखिए, यानी जो पहले 8 वर्ष था, अब ये लगभग 15 वर्ष तक का समय हो रहा है, ये बड़ी बात होने जा रही है। बहुत बढ़िया। और एक चीज और है जी जी, जो पहले हम मिड डे मील की बात करते थे कि मिड डे मील, देखिए अभी ये नीति बन रही है, ये कानून कब बनेगा और जल्दी से जल्दी बने उतना अच्छा है। तो कानून बनने में समय लगता है, कई चीजें होंगी, राज्य सरकार का भी होगा, केंद्र सरकार का भी होगा, लेकिन आप देखिए कि जो पहले 8 वर्ष का था RTE का, कौन सी आयु क्या थी, 6 से 14, अब क्या हो गया 3 से 18। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात जो हुई है, यानी बच्चे का, उसके दिमाग का, उसकी क्षमताओं का, उसके अंदर की स्ट्रेंथ का पूरा फायदा समझते हुए, पूरा फायदा। और एक जो बड़ी चीज हो रही है दुनिया में जी, जिसके लिए वहां, अभी आपको पता ही है, आज ही आया है राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में कहा कि हमने वैक्सीन बना दी। हाँ। कोविड की बना दी कह रहे हैं। हाँ। लगाओ वैक्सीन हो जाएगी। और अपनी बेटी को पे उन्होंने कहा कि उन्होंने पहला टेस्ट किया है। हाँ।
तो रशिया भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, पूरी दुनिया बहुत तेजी से कई चीजों में काम कर रही है, और जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, उसको कहते हैं, उसका जो शब्द है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कि अच्छा किस तरह से सोचे विचारे कैसे करे। तो एक आपको नए युग के हिसाब से थिंकिंग अपनी बनानी पड़ेगी कि जो जो समस्या है उसका कैसे समाधान होगा जीवन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी मतलब अब ये बच्चे आने से पहले उसकी थिंकिंग प्लान कर देंगे, उसकी सोच को प्लान कर देंगे, उसके रोजगार को प्लान कर देंगे, उसके जीवन को प्लान कर देंगे। कमाल की बात है साहब, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही समझदारी की बात है। सर मुझे एक छोटी सी आशंका है, मन में आ रहा है, हमारे पिछले कई सालों से हमारे पास शिक्षा की तो कमी नहीं रही है, बुद्धिजीवी टीचर भी हमारे यहाँ बहुत रहे हैं, अध्ययन की भी कमी नहीं रही है, और फिर भी कई हम इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या चीजें जिनकी सावधानी रखनी जरूरी है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था पूरी ठीक से लोगों तक पहुंचे और लोगों में काम करना शुरू करें और इसके साथ लोग जुड़े। आप कमाल के प्रश्न पूछते हैं सूरत राम जी, कमाल के पूछते अरे हैं। धन्यवाद सर। देखिए, पहली बात ये है, आपने कहा कि जो हमारी ये व्यवस्था है, कई लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आपने भी पढ़ा है, आपने पिछले बार बताया कि आपने उस जमाने का दफा 8 पढ़ा है, जी, सर। और आपको इतनी चीजें आती हैं। जी, सर। पहले गुणाई होती थी सर, गुणाई होती थी, ये तो बात पक्की थी। जी अब हुआ ऐसा है कि जो हमारी ये पूरी शिक्षा व्यवस्था है, ये रटने की दक्षता हो गई है कि कॉपी पेस्ट, रटो, कॉपी पेस्ट। हाँ कॉपी पेस्ट तो क्या कहें, कि खूब रटो खूब रटो खूब चक्की चलाओ रटने की, और परीक्षा में जाओ उसको अगर आपने लिख दिया, नंबर आ गए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए आप समझने में रह गए तो फिर। तो इसलिए जो समझने की दक्षता का विकास करना है, जी ऐसा होना चाहिए, इस दिशा की तरफ ये शिक्षा नीति जा रही है। बहुत खुशी की बात, इसकी जरूरत है देश को। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि थिंकिंग के लिए, दूसरी चीजों के लिए, कई बार ऐसा होगा कि उसमें आ रहा है कि बैगलेस, कई दिन ऐसे होंगे जब बच्चे बगैर बस्ता लिए जाएंगे स्कूल, और वो सीखेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, छोटे प्रोजेक्ट करेंगे, जगह जगह जाके काम करेंगे, शिल्प का काम करेंगे। हम लोगों ने हाथ का काम करना बंद कर दिया। अब ये क्या शिक्षा नीति हुई कि आपको ये नहीं पता कि ये वृक्ष आम का है और यह अमरूद का है, हमको मेथी और पालक और मूली में फर्क होना पता होना बंद हो गया। उस देश में जहां सब चीज हाथ से बनती थी। हाथ से बनती थी सूरत राम जी, हमको, आपको तो पता है कितनी सुंदर कठपुतलियों का नाच होता था, जी। सब गायब हो गई, जी। क्योंकि हमने इन सारी चीजों से हटना शुरू कर जी दिया। जी जी तो इस बार जो ये शिक्षा नीति आई है, ये हर शिल्प के लिए, हर चीज के लिए, हर कौशल के लिए क्रेडिट देगी। ये भी पता होगा कि इसके भी नंबर हैं। ओहो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जिस बच्चे को अच्छा संगीत आता है, उसको भी उसकी योग्यता के अनुसार उसका पैमाना तय किया जाएगा, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। इंटरनेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड के लोग जो है उन्होंने कहा है कि क्रिएटिविटी अगर है तो वो डॉक्टर भी बनाती है, इंजीनियर भी बनाती है। क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर बात, तो आप जो कह रहे हैं बात, इसमें मुझे क्रिएटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है, और क्रिएटिविटी होगी तो जरूर दिमाग विकसित होगा। सर ये बहुत ही ऐसा ऐसा बढ़िया, मुझे लगता है मेरी मेरी को थोड़ी आशा नजर आने लगी, फिर मेरे ख्याल से इंसान भी अच्छा बनने लगेगा। हाँ, आवश्यक इस बात का है। अगर इसको देखिए, जब उसको सूरत राम जी वो कुछ पढ़ेगा, उसको नौकरी भी मिलेगी, अपना काम भी करेगा, स्वावलंबन भी होगा, आत्मनिर्भर होगा, उसके अंदर साहस भी आएगा, वो एक अच्छा मानव भी बने। अपने कामों से प्यार भी करेगा, बिल्कुल इज्जत करेगा, उनका सम्मान समझेगा।
बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए ये हमने, ये हमारे पास ये विद्यालय आए, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये हम कहते हैं कि ये सबको साथ लेने वाली एक जो बात है शिक्षा की, चाहे वो हमारे दिव्यांग हों, चाहे वो जो कम देरी देरी से धीरे धीरे समझ रहे हैं वो हों, सबके लिए बात यह है कि जातिवाद का फर्क मिटने की व्यवस्था का भी कुछ प्लान होगा स्कूलों में। हाँ, और जो एक बहुत सुंदर बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, आप कमाल के हैं सूरत। अरे धन्यवाद सर। कमाल की बात यह है कि ये पहली बार इस तरह की शिक्षा व्यवस्था आई है। देखिए, हम तो अंग्रेजी के गुलामी होके रह गए एकदम। अंग्रेजी नहीं आई तो हमको लगा कि कुछ शिक्षा ही नहीं आई जी। पहली बार बात ये हो रही है कि जो आपकी ये प्राइमरी एजुकेशन है प्राथमिकी की, या आपकी मातृभाषा में हो। ओहो, तो अब गढ़वाल के बच्चे गढ़वाली में पढ़ेंगे, गढ़वाली में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, बंगाल का बंगाली में पढ़े। हाँ हाँ। तो उसके बाद तो समझ में आएगी ना। हाँ, इसीलिए तो मदर टंग हुई ना सर। इसीलिए मदर टंग है, उसको जो उसकी माँ की भाषा है उसमें समझ भी आता है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जी जी जी। और ये इसका ये अर्थ नहीं कि वो अंग्रेजी ना जाने, वो अंग्रेजी भी ले, वो स्पेनिश भी ले, वो जापानी भी सीखे, लेकिन वो अपनी मातृभाषा में हिंदी में अगर करेगा तो देश में एक अपनी मातृभाषा के लिए, स्वभाषा के लिए, उसके लिए भी एक अभिमान पैदा होगा। क्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो एक तो बात रही ये। अब मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं कि जो उच्च शिक्षा है, अब बच्चे ने ट्वेल्थ कर लिया जी, अब वो यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, भाई क्या क्या मुख्य बातें होंगी जी। अब ये मुख्य बातें बहुत मजे की हैं। एक तो पहले ऐसा होता था कि जो बच्चा डिग्री में गया, अब वो 3 साल उसने पढ़ना ही पढ़ना है, भाई वो बीए करे, बीकॉम करे, बीएससी करे, है ना, और वो आर्कियोलॉजी में करे, वो जियोलॉजी में करे, उसको 3 वर्ष करने पड़ते थे जी। अब बड़ा मजेदार हो गया है। क्या हो गया कि किसी ने अपना, इसको कहते हैं मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। अच्छा, अब थोड़ा सा ये वाला है, थोड़ा मामला अच्छा, वाला है। समझ वाला, थोड़ा दिमाग में घुसाना पड़ेगा ये। मैं बताता हूँ आपको जी, जी। ऐसा हुआ कि किसी ने, आपने बीए में अपने बेटे को, अपने पौत्र को, उसको एडमिशन दिलाया जी। उसने 1 वर्ष पढ़ा, उसके बाद उसने कहा कि मैं अपना कुछ काम कर लूं, या और कोई दिक्कत आ गई, तमाम सारी चीजें हो गई, तो जो उसके 1 वर्ष का एकेडमिक क्रेडिट होगा वो एक बैंक में जैसे पैसा जमा होता है, इस तरह से वो जमा हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, उसका भी महत्व बढ़ जाएगा। अब क्या है कि वो कभी भी अगर दोबारा आना चाहता है, वो 1 वर्ष के बाद चला गया, अब वो उसके बाद अगर दोबारा कभी भी आना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसको लाभ नहीं मिलेगा, अब वो उस क्रेडिट का लाभ उठा के 2वें वर्ष में आ जाएगा। ये सही है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये वाली जो पूरी व्यवस्था है ये चलती रहेगी, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, कभी भी वो बाहर जा सकता है, प्रोजेक्ट ले सकता है, काम कर सकता है, सीख सकता है, उसके बाद दोबारा से इसी शिक्षा व्यवस्था में डिग्री के लिए आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और साथ साथ में एक चीज और है जी, ये तो जो क्रेडिट उसको मिल रहे हैं, उसने अपना पढ़ना शुरू किया, लेकिन पहले ऐसा होता था या कोई बीए करेगा तो भाई वो फिजिक्स कैसे पढ़े, भौतिक विज्ञान, वो केमिस्ट्री कैसे पढ़े, वो गणित कैसे पढ़े, जिसने बीकॉम किया वो म्यूजिक कैसे ले, भाई संगीत आपको अच्छा लगता है जी जी, अब वो संगीत कैसे करे। ये शिक्षा व्यवस्था जो नई वाली है ये कहती है कि ये विषय की कोई भी इस तरह की अब नहीं है कि एक आपने स्ट्रीम ली, एक धारा में गए तो वो, ये नहीं, आप अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से आप अपने विषय ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश की, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक। अरे मान गए सूरत राम जी, मान गए, बहुत अच्छे। ये इसको कहा जाता है होलिस्टिक, आपने उसके
परिधि में सभी कुछ डाल दिया, सारी चीजें हो गई, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जी, बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद एक और है, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, मुझे मालूम है मैंने आपको कई चीजें बता दी, क्योंकि ऐसे तो हमारे बहुत से, मुझे इसमें बहुत समय लग जाएगा बताने में, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ आपको जी, मोटी मोटी समझ में आएगी। हुआ ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन के बाद ही जी, यानी स्नातक स्तर के बाद ही आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, आप बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होने जा रही है कि ग्रेजुएशन की जो पहले जो स्नातक की डिग्री थी, अब महत्ता ज्यादा बढ़ गई है, आपने 4 वर्ष का किया, 1 वर्ष का मात्र 1 वर्ष का मास्टर्स प्रोग्राम है, 1 वर्ष का, और एक एमफिल हुआ करती थी, उसके बाद पीएचडी करते थे, शोध किया करते थे जी 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 जी। अब ऐसा है कि आप कोई एमफिल नहीं है, आपने मास्टर्स डिग्री 1 वर्ष की और उसके उपरांत आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। कमाल की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कई सारे जो स्कॉलर हैं उनको इसमें मदद मिलेगी और खूब खूब ज्यादा चीजें हो सकेगी और स्कॉलर की भी हिम्मत बढ़ेगी, नहीं तो पहले ही डर जाता था आदमी, सोचते ही बड़ी दिक्कत होती थी। बहुत सही सही है, सही बात है। तो हम जिस बात को कह रहे हैं कि उसका यहाँ एक GER होता है, कि हम ये चाह रहे हैं कि वर्ष अगले 10-15 वर्षों में हमारे देश का जो उच्च शिक्षा में भी जो एनरोलमेंट है वो 50% तक पहुंच जाए, तो इसकी दिशा में ये नई शिक्षा नीति कार्य कर रही है, शोध के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोध में आए, अपना कार्य करें। अगर शोध नहीं होगा, देखो दुनिया में चाहे अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, कोरिया है, चीन है, इन लोगों ने शोध में बहुत 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 पैसा लगाते हैं, लोगों को लगाते हैं। ये शिक्षा नीति के माध्यम से भी एक फाउंडेशन बनाने की बात है, रिसर्च फाउंडेशन, जो पूरा का पूरा सारी की सारी चीजों को करेगा, तो ये भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है साहब, मेरे ख्याल से ये मेरे को तो जो समझ में आया, ये कितनी बड़ी बात है कि आप चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं और आपको अवसर मिलते हैं और एक इंसान को अपने आप को खुलने का पूरा मौका मिलता है, अपने आप को जीने का पूरा मौका मिलता है और ये गजब की बात है, बहुत ही गजब की बात है। तो ऐसी नीति का तो स्वागत किया जाना चाहिए सर। हाँ, स्वागत भी किया जाना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, सूरत राम जी, मत लेना आप अंदर सर, नहीं बिल्कुल नहीं, कई चीजें इसमें और हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये जो नीति बनाने में जो इस समय हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और उस मंत्रालय का नाम भी बदल के शिक्षा विभाग करने की बात हो रही है, शिक्षा मंत्रालय। अच्छा जी। हाँ, इसी शिक्षा नीति में कह रहे हैं कि जो मानव संसाधन बनता है वो शिक्षा के माध्यम से बनता है, तो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख देते हैं जी। बिल्कुल सही बात है, पहली बात ये है। और मानव कोई संसाधन थोड़ी है, सामान थोड़ी है, मानव है। जी जी जी। तो ये जो शिक्षा मंत्रालय है, जिसके जो इसको देख रहे हैं वो इसी राज्य के यहीं के सांसद, यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी धरती से हैं, उत्तराखंड से। जी 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 जी। और आप बताओ, आपको तो मालूम है, मैंने पिछले बार भी बताया था उनका क्या नाम है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। उनकी तो कई सारी किताबें भी निकली हुई है। अरे उनकी किताबें हैं, वो कवि हैं, लेखक हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, 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 जी। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है जी जी, एकदम, कि यहाँ से निकले हुए एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी राष्ट्रीय जो इस समय शिक्षा नीति, इतने वर्षों के बाद, ये सिर्फ आपको पता 3री नीति है, इतने आजादी के बाद से सिर्फ 3री हमारी नीति है जो आई है, और उसको उन्होंने, प्रधानमंत्री इस देश के हैं और माननीय मोदी जी और उनके साथ में उनके आशीर्वाद से, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, मंत्रालय जो देख रहे हैं उनकी देख रेख में ये पूरी शिक्षा नीति आई है, तो ये हमारे लिए तो और भी गजब की बात हो गई। मेरी उम्मीद और जग गई सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कुछ समय के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल जो शिल्पकार हैं
उन लोगों को भी अपनी चीजों को शेयर करने का, सिखाने का अवसर मिलेगा, ऐसा भी सुनिश्चित होगा। ये बड़ी बात है। अगर ये भी जुड़े साथ साथ में, तो कई लोग जो अभी तक, जैसे अभी देखिए, मैं कठपुतली हूँ, शिक्षा में बहुत सालों से एनसीईआरटी ने सबने कहा है मैं बहुत काम में आ सकती हूँ, लेकिन ज्यादा काम में लिया नहीं, नाम नाम के लिए हो गया। तो आपके हिसाब से मुझे कैसे आश्वासित करेंगे आप, थोड़ा इस नीति के माध्यम से आप मुझे कैसे कैसे थोड़ा संतोष पहुंचाएंगे? सूरत राम जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन इस शिक्षा नीति में जो इसका मुख्य आधार है, जो मुख्य आधार है जी, देखिए जब वो पूरा का पूरा कानून होगा एक बात है, लेकिन जो मुख्य आधार है वो ये है कि हाथों को काम मिले, वो कोई भी शिल्प हो उसको काम मिले, वो हमारी कठपुतली है, वो हमारा काश्तकार है, उसके लिए उसको प्यार बने, वो जिसको हम नवाचार कहते हैं उसकी दिशा में जाए। तो ये सारी की सारी चीजों को, ऐसी बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसको इसमें डाला गया है। और क्यों डाला गया है ये समझिए, ये 21वीं सदी है और उसका तीसरा दशक है। इस समय की आवश्यकता, आजकल हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी तो अपनी है ही आदमी की, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट है, ऐसी बहुत सी तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है शिक्षा में। तो आर्टिफिशियल चीजों का, तकनीक का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन जीवन आर्टिफिशियल मत बना लीजिएगा, वो मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो ये सब इंसान के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी समझ के लिए है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है सर ये नीति सुन के। कुछ खास बातें आप और बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, सॉरी सर, क्या कर सकता हूँ, वैसे तो समय समय है, लेकिन ये आजकल नेटवर्क का भी ध्यान रखना पड़ता है सर, इसमें भी डेटा लगता है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। पहली बात तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया था जी सर, कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति को जो हमारा चलाती हैं वो अलग अलग यूजीसी चलाती है, एक संस्था होती है इंजीनियरिंग टेक्निकल के लिए AICT होती है, टीचर्स की जो बीएड की डिग्री होती थी ना 2 वर्ष की, जी जी जी, अब आप समझो सूरत राम जी, इंजीनियर बनने में 4 साल लगे, डॉक्टर बनने में पता नहीं कितने साल लगे, शिक्षक बनने में 2 ही साल लगते थे। अब बात हो रही है कि जो बीएड है ये भी 4 वर्ष का होगा। सही बात। गंभीरता से जो शिक्षक बना रहे हैं, जो समाज बना रहे हैं, उनको 4 वर्ष का समय लगे तो बीएड की महत्ता बढ़ जाएगी। सही। एक बात तो ये, और जो दूसरी इस तरह की हमारी जो पूरी व्यवस्था चलती है, UGC, AICT, NCT, इन सब को एक करने का, एक संस्था बनेगी ताकि अलग 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 जगह नहीं भटकना पड़े, एक तरह से उन सारी की सारी चीजों को देखा जाए, देश में अपनी भाषा में बात की जाए, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं मजबूत होंगी, तकनीक का इस्तेमाल होगा, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा, साइंस का इस्तेमाल होगा, और साथ साथ में जैसा आपने कहा, एक अच्छा मानव बने, एक संवेदनशील मानव बने, जिसको अपने समाज की, अपने पारिस्थिति पूरे तंत्र की उसकी चिंता रहे। ये बात है, आप और मैं तो बात करते ही रहते हैं, इसमें हम फिर भी बात करेंगे आगे को, लेकिन आपको ये बहुत, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जिसके बारे में हमने बात की, अब हम आगे को भी इसी तरह बात करेंगे। मुझे मालूम है आप थक रहे हैं और आपके कुछ खाने वाने का भी समय हो गया है। बात तो सर, अब सारी दुनिया आजकल इसी पे टिकी हुई है, क्या करें। और मुझे तो बहुत खुशी होगी कि जैसी अभी इस कोरोना महामारी में कई सारे चीजें, कई सारे रोजगार खत्म हो गए लोगों के, मुझे लगता है ये समझ पहले से होती और हमारी परंपरागत ज्ञान को पहले से अवसर मिलता होता और ये नई नई शिक्षा नीति में देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, आने वाले समय में हम तैयार होंगे और एक शिक्षा व्यवस्था हमें इंसान बनाने में, भारत बनाने में और भारत को सबल बनाने में मदद करेगी और उत्तराखंड का योगदान रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की है और ये नई शिक्षा नीति
लोगों तक पहुंचेगी, समझेगी। और किसी के सवाल है तो आप जरूर लिखिएगा जी, हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारे आप कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, जरूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस नए शिक्षा नीति के लिए। फिर किसी नए पूर्ण व्यक्ति के साथ आपकी जानकारियां करवाऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, मूछें हो तो सूरत राम जी जी, बहुत